ऑफलाइन मार्केट में आजकल कई कंपनियां सस्ती रेंज में आपको नेक बैंड प्रोवाइड करती है, जिसमें 200-250 रुपए से 700-800 रुपए के अंदर आपको अच्छे अच्छे नेक बैंड मिल जाते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर मैं कौन सा नेक बैंड परचेस करो, किसमें कितनी मजबूती है, कौन लंबे टाइम तक चलेगा। तो आज की ये वीडियो हम इसी पर लेके आए हैं। क्या से क्या हो गया, नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बहुत सारे नेक बैंड जिनकी करेंगे अनबॉक्सिंग। नहीं, इन सभी को हम आज डिसेंबल करके देखेंगे और इनके अंदर लगने वाले सारे प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे, कैसे इन पर स्पीकर, कैसी बैटरी, कैसे माइक और कैसी इन पर वायरिंग की गई है, ये सब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए यहां पर लाता रहता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं यूबोन के नेक बैंड से, जिसका मॉडल नंबर है CL20। ये आपको मार्केट में 700-800 रुपए का मिलता है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर से आपको यहां पर काफी बड़ी लेंथ की यूएसबी केबल मिल जाती है, माइक्रो यूएसबी केबल। लेंथ और क्वालिटी केबल की काफी बढ़िया दी गई है। इसके अलावा इस साइड है ये नेकबैंड। नेकबैंड का डिजाइन कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सारी की मिल जाती है। डिजाइन काफी बढ़िया है, वायरिंग भी आपको काफी मजबूत मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे ये रबड़ लगे हुए हैं, इन्हें हम रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं ये। और ये यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। चलिए दोस्तों अब इसे खोलना शुरू करते हैं। तो मजबूत है दोस्तों, काफी ज्यादा मजबूत, ये इतनी आसानी से नहीं खुल रहा है और अब जाके खुल गया है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका मदरबोर्ड आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको माइक लगा हुआ मिलेगा और ये है वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और ये पावर ऑन की, और इसी से आप कॉल भी उठा सकते हैं। तो ये यहाँ पर की दी गई है, IC यहाँ पर फिट की गई है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको अंदर देखने को मिलता है, यहाँ से वायरिंग जा रही है और ऊपर से होते हुए यहाँ भी जाएगी और यहाँ से यहाँ भी जा रही है। बाकी मदरबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर बैटरी को ढूंढते हैं, तो बैटरी इस साइड फिट की गई है, तो इसे भी यहाँ से ओपन करना शुरू कर देते हैं। और ये रही बैटरी, तो इतनी छोटी बैटरी लगी होती है दोस्तों इसके अंदर, देख सकते हैं। ये एक पाउच टाइप की बैटरी है और यही बैटरी इस नेक बैंड को करंट प्रोवाइड करती है और यहां से पूरी वायरिंग की गई है। चलिए वायरिंग की मजबूती देख लेते हैं। तो ओ भाई बहुत मजबूत है दोस्तों, यहां नीचे से टूट गया पर ये वायरिंग नहीं टूटी, ये अब जाके टूटी। तो काफी अच्छी है कंपनी, वैसे बढ़िया बना रही है प्रोडक्ट। प्लास की सहायता से इसको तोड़ के देखते हैं। ओ भाई बहुत ही मजबूत दोस्तों, लेकिन ये निकल गया जी। स्पीकर देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा स्पीकर जिससे भम भम की साउंड आती है दोस्तों। तो ये स्पीकर कुछ ऐसे, आपको दूसरा वाला भी दिखा देते हैं। तो इस साइड भी स्पीकर फिट किया गया है, तो ये देखिए, तो यही वो स्पीकर है जो आपके कान को गाने सुनाते हैं और कॉलिंग कर पाते हैं। तो दोस्तों ये है, ये था दोस्तों, अब रहा नहीं, ये गया काम से, यूबोन का CL20 नेकबैंड। सोनालिक्स कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा, काफी सारे मोबाइल एसेसरीज प्रोवाइड करती है ऑफलाइन मार्केट में काफी सस्ती रेंज में। 16 आवर्स का बैकअप आपको देगा ये नेकबैंड, और यहाँ पर पूरा मॉडल नेम मेंशन किया गया है। इसके अलावा बैक साइड में भी काफी सारी डिटेल्स मेंशन मिल जाती है। चलिए इसके पैकेट को ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं। तो एक थैला मिलता है दोस्तों, कुछ इस टाइप का। इस थैले के अंदर है हमारा असली चीज, अरे काफी सारा माल भरा हुआ है इसके अंदर। एक थैली मिल जाती है जिसके अंदर आपको मिलेगी एक नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल, काफी सारे एयरबड्स मिल जाते हैं आपको अपने हिसाब से अलग अलग साइज के, जिनको आप सेलेक्ट करके अपने एयरबड्स पर लगा सकते हैं। तो ये रही इसकी क्वालिटी। तो वायरिंग काफ़ी पतली लग रही है, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी वायरिंग की। बाकी दोस्तों यहाँ पर बीच में आपको एक पावर ऑन की, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस की दी गई है। तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर लाइट दी गई है। इसके अलावा आपको इस साइड बैटरी और यहाँ पर आपको मदरबोर्ड दिया जाता है। तो इसे भी ओपन करते हैं, अरे इजिली हो गया ये तो। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम जैसा आपको यूबोन में मिला था वैसा ही यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट जलती हुई दिख रही होगी और ये यहाँ पर माइक है जिससे आवाज आएगी, और ये वॉल्यूम की, वॉल्यूम माइनस की और पावर ऑन की, और यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के लिए दिया गया है। तो कुछ ऐसा मदरबोर्ड आपको इसका मिलेगा, यहाँ से वायरिंग की गई है, यहीं से आपको करंट भी मिलता है। ये बैटरी यहाँ से, ये आपको दिख रहे होंगे चार वायर हैं, दो वायर तो स्पीकर की है और दो वायर बैटरी की है जो यहाँ मदरबोर्ड
बोर्ड पर करंट देगी, आईसी बड़ी लगाई गई है इस पर। चलिए वायर की क्वालिटी देखते हैं, तो ये देखिए, ओ भाई काफी मजबूत है, टूटी नहीं रही दोस्तों। ओ भाई, तो इसका वायर काफी मजबूत था लेकिन झटके में टूट गया दोस्तों। इसके बाद हम बैटरी साइड भी देख लेते हैं, तो इजीली ऐसे ओपन करना, देख सकते हैं यहाँ पर कोई नेट नहीं, कोई कुछ नहीं, बाकी बैटरी बिल्कुल वैसी थैली टाइप की मिल रही है, एक छोटी सी थैली। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी आप इनके बड्स भी निकाल देते हैं और इनको खोलना शुरू करते हैं। अरे भाई, ये देखिए, ये स्पीकर आप देख रहे होंगे यहाँ अंदर, तो कुछ ऐसा स्पीकर आपको इसमें भी मिल जाता है। इस साइड का स्पीकर भी देखते हैं, वायर की काफी मजबूती है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर, तो ये स्पीकर लेफ्ट साइड वाला है। और अब इस सारे मलबे को डाल देते हैं इस थैले में और आते हैं दूसरे नेक बैंड पर। मार्केट में तो आपने आजकल OUD कंपनी का नाम भी सुना होगा, काफी सारे एसेसरीज ये भी प्रोवाइड करती है। पावर बैंक है इसके, चार्जर है, हेडफोन है, काफी सारे एसेसरीज मिल जाते हैं। अरे ये तो पिंक कलर की है और कुछ ऐसी थैली में पैक मिलती है आपको ये नेक बैंड। इसे निकाल के रखते हैं साइड में, बाकी अंदर आपको यहाँ पर कुछ सामान दिख रहा होगा। हम डायरेक्ट आते हैं सीधे नेक बैंड पर, तो इसकी बनावट बिल्कुल वैसी है। बीच में आपको पावर ऑन की, जैसी प्रेस करोगे तो यहाँ पर ब्लू लाइट जलती है और ये पिंक कलर की है। इस साइड बैटरी है और इसको भी हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से ओपन करना शुरू करेंगे जैसे हमने और किए। तो यहाँ पर ये तो टूट गया रे, देख सकते हैं अंदर बिल्कुल सेम आईसी फिट है छोटी सी। और ये यहाँ पर चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है, माइक यहाँ पर, और ये LED लाइट्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल सेम तरीके से करंट जा रहा है। और इस साइड बैटरी मिलेगी दोस्तों, इसे भी हम, ये बहुत कच्चा है दोस्तों, बहुत इजीली ओपन हो रहा है। और बैटरी ये थैली सी और इसके अंदर भी वायरिंग की गई है। बाकी यहाँ पर हम स्पीकर, ये तो हाथी से खुल गया, बाकी के तो हमें प्लास से खोलने पड़े थे, तो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं ये OUD के ब्रांड, देख सकते हैं यहाँ पर इजीली ओपन हो रहे हैं। देख के दोस्तों मजाक सा बना रखा है यहाँ पर। तो इस तरह का था ये OUD का, टाइटेनियम सीरीज का है ये, ODNBE70V इसका मॉडल नंबर है। 24 घंटे का प्लेबैक टाइम देगा दोस्तों ये, और क्वालिटी बिल्कुल घटिया। वायर की क्वालिटी भी देख लेते हैं, अरे वाह, इजीली दोस्तों इसकी वायरिंग कितनी कमजोर बनाई गई है। ऑफलाइन मार्केट में तो आपको कोर नाम के नेक बैंड भी देखने को मिल जाते हैं, काफी बढ़िया साउंड रहता है इनका, मैंने पर्सनली यूज भी किए हैं कुछ दिन। तो इसकी भी हम कुछ इसी तरह से डिसेंबली करने वाले हैं, तो पैकिंग तो खतरनाक की गई है, काफी बड़ा बॉक्स है और इसके अंदर आपको USB केबल मिलती है, माइक्रो USB केबल। और क्वालिटी काफी बढ़िया लग रही है, काफी प्रीमियम फिनिशिंग, शाइनी फिनिशिंग मिलती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर की ब्रांडिंग, और मजबूत लग रहा है पूरा का पूरा सिस्टम इसका, देखेंगे कितनी मजबूती है इसमें। बाकी यहाँ पर आपको प्लास्टिक के मिलते हैं ये कान में लगाने वाले, और इसको हम ओपन करना शुरू करेंगे। तो पहले हाथ से ट्राई करते हैं इसकी पावर ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो पावर भी इसकी ऑन करती है। ओ भाई, ये क्या है, ये जो चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट जैसा टूट गया ये तो इजीली। और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम फिटिंग की गई है। बाबा, छोटी सी आईसी दी गई है यहाँ पर, कितनी छोटी आईसी, बहुत मेहनत की होगी इसे फिट करने में। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम मदरबोर्ड, और यहाँ से वायरिंग बिल्कुल सेम है। बैटरी साइड भी आ जाते हैं, ये सच में कुरकुरा टाइप का टूट रहा है दोस्तों, देखा होगा आपने। बाकी बैटरी यहाँ पर दी गई है, वायरिंग की मजबूती देखते हैं, इजीली टूट गया, काली दिखने के हैं दोस्तों, आप थक जाते होंगे। बाकी इनकी मजबूती भी देख लेते हैं, तो हाथ से तो बिल्कुल नहीं निकल रहे, प्लास से पक्का निकल जाएंगे। ओह, ये निकल गया। ओह, स्पीकर काफी बड़ा है, साइज देखिए स्पीकर का, तो इस पर इसीलिए बेस तगड़ा मिलता था, स्पीकर का साइज काफी बड़ा रखा गया है। तो इस वाले को भी देखते हैं, तो ये इनके स्पीकर। SGM कंपनी का भी काफी नाम चल रहा है आजकल, ऑफलाइन स्टोर पर काफी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसके चार्जर भी आपको मिलते हैं, तो इसको भी नहीं छोड़ने वाले हम आज। तो यहाँ पर पैकिंग काफी बढ़िया की गई है, और इसके अंदर आपको पूरा नेकबैंड का सेट मिल जाता है। बाकी USB केबल तो इसमें दी नहीं है दोस्तों, वो आपको अपना ही मोबाइल का यूज करना पड़ेगा। क्वालिटी अच्छी लग रही है वैसे, दिखने में काफी प्रीमियम फिनिशिंग है, और इसकी पावर को कई जो नेकबैंड होते हैं उनकी बैटरी बिल्कुल डेड रहती है दोस्तों,
ऑन तक नहीं होते हैं वो, उन्हें फिर चार्ज करो और फिर उसके बाद यूज करना शुरू करो। तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो ये भी चॉकलेट की तरह टूटता है कि नहीं टूटता। अरे वाह, मजबूत प्लास्टिक है दोस्तों, काफी जान लगानी पड़ रही है। और ये हमने ओपन कर दिया, बिल्कुल सेम सीन, आईसी बहुत बड़ी लगी हुई है। सभी नेक बैंड का एक जैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम जगह पर माइक, सेम जगह पर आईसी और चार्जिंग जैक भी बिल्कुल सेम जगह पर दिया गया है। कुछ भी अलग नहीं देखने को मिला अभी तक हमें। और इस साइड बैटरी, और ये बहुत तगड़ा, ये मजबूती है दोस्तों इसकी, देख सकते हैं फेविकॉल का जोड़। और ये निकल गया बैटरी, और इसकी वायरिंग भी देख लेते हैं कैसी इसकी वायरिंग है, कितनी मजबूती है। ओह नहीं है मजबूत, खाली नाम का दिखने में है बस। ये देखिए इजीली टूट गया दोस्तों। रिवायरा कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा, काफी लंबे टाइम से काफी मोबाइल की एसेसरीज प्रोवाइड करती है, ऑफलाइन स्टोर चाहे ऑनलाइन स्टोर हो। तो दोस्तों बढ़िया बढ़िया आइटम निकालते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी रहती है। तो ये कौन से माफीदार है, यहाँ पर हम इसको भी नहीं छोड़ने वाले। रिवायरा का नेक बैंड आ गया हमारे पास, ये आपको ऑफलाइन स्टोर पर 500 से 700 रुपए के अंदर मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी इसकी कुछ ऐसी, काफी अच्छी फिनिशिंग है। और देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिला हमें। यहाँ पर जो मदरबोर्ड है वो अलग से फिट किया गया है, और यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तीन तीन पोर्शन आपको मिल गए हैं। और वायरिंग देखिए, काफी मजबूत वायरिंग लग रही है, देखेंगे इसकी मजबूती कैसी निकल के आती है। डिजाइन काफी बढ़िया बनाया गया है। बाकी दोस्तों सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इसमें बैटरी बची है कि नहीं बची है, तो नहीं बची है बैटरी, बिल्कुल डेड हो रखी है इसकी। और इसको हम ओपन करते हैं, हाथों से होता है कि नहीं होता है। ओ भाई ये रिवायरा का जोड़ है, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, यानी कि अच्छी, ओ हो गया हो गया हो गया, काफी जान लगानी पड़ी दोस्तों। तो इसका मतलब कि अच्छी क्वालिटी है रिवायरा की। तो इसे हमने ओपन कर दिया, और यहाँ देख सकते हैं आईसी लगी है और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, माइक भी यहीं पर फिट है। तो यहाँ क्या फिट है देखते हैं यहाँ भी। तो दोस्तों कंपनी की चीज कंपनी की होती है, बहुत मजबूत होती है। ओ भाई बैटरी यही है फिट, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पोर्शन था और इधर बैटरी पोर्शन था, और इधर खाली होगा पक्का, देखते हैं यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। डबल बैटरी तो नहीं है दोस्तों, गजब दोस्तों, कमाल हो गया दोस्तों। ये रिवायरा आपको डबल बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, एक बैटरी इधर है एक बैटरी इधर है, तो ये पक्का इन सभी नेक बैंड से डबल बैकअप आपको देने वाला है। ये जो रिवायरा का है, मॉडल नेम भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर इसने निराश नहीं किया दोस्तों। तो ये हमारे पास है रिवायरा इको सीरीज का, इसका मॉडल है RBH14। तो दोस्तों ये मुझे ठीक लगा कि दो बैटरी आपको मिल रही है, और बैटरी बैकअप तो चाहिए ही चाहिए कि लंबा टाइम तक आप इसमें गाने सुनो चाहे बात करो, बीच में धोखा ना हो जाए। चलिए वायरिंग की मजबूती भी देख लेते हैं। ओह ठीक ठाक मजबूत है वैसे, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं है। बाकी एयरपीस की मजबूती देखते हैं, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल भी, इतना मजबूत बनाया गया है, इसका प्लास्टिक टूट ही नहीं रहा। ओह इजिली, ये देखिए दोस्तों अंदर स्पीकर यहां पर कुछ ऐसा। तो दोस्तों इसका जो ये प्लास्टिक है काफी मजबूत है दोस्तों, प्लास्टिक से भी नहीं पिचकता, और इसको खोलने के लिए बस कुछ इस तरह से ओपन करना है। ये देखिए ये खांचे में फिट है, तो ऐसे इजीली ओपन हो जाएगा, अंदर स्पीकर आपको नजर आएगा। अब सोरो के नेक बैंड भी यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, पैकिंग काफी अच्छी की गई है, और अंदर देखते हैं तो कुछ इस कलर का नेक बैंड निकल के आता है, और काफी अच्छी प्रीमियम फिनिशिंग की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पावर भी ऑन हो रही है, यानी कि बैटरी इसमें मौजूद है, वायरिंग कुछ ऐसी आपको मिलेगी। और देखते हैं इसको ओपन करके, मजबूत पैक किया गया है, सोरो का जोड़ है ये, इस पर कुछ ज्यादा ही जान लगानी पड़ रही है, इतना इजिली नहीं खुल रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही मजबूत बनाना चाहिए आपको, कंपनियों को ध्यान देना चाहिए। तो इस साइड बैटरी है, और इस साइड का भी ओपन करके देखते हैं, तो प्लास की सहायता से ओपन करना पड़ रहा है, नॉर्मल हाथों से ओपन नहीं हो रहा है ये। बाकी यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वैसे ही फिटिंग मिलती है, और यहाँ पर वायरिंग की मजबूती देख लेते हैं, बहुत कमजोर है वायर, और इसकी भी मजबूती देख लेते हैं, हाथ से तो नहीं हो रहा है लेकिन अब इजी हो गया है। ये आ गया हमारे पास वन प्लस का बुलेट वायरलेस Z2। आप सोच रहे होंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल है, दोस्तों कंपनी के नेक बैंड है और उनकी कॉपी ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों काफी सारे आपको सस्ती रेंज में कॉपी मिल जाते हैं, वन प्लस का कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है, ये यहाँ पर देखिए। और देखते हैं ये कॉपी वाला का मजबूती कैसा है, इसकी वायरिंग काफी सॉफ्ट मिल जाती है, ये देखिए यहाँ पर, और से अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वन प्लस का कॉपी किया गया है।
अक्सर हम मार्केट में जाते हैं, ऑफलाइन स्टोर पर धोखा भी खा जाते हैं, वन प्लस का ओरिजिनल सोच के कॉपी उठा लाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉपी का पता तो इजीली लग जाता है, ये वन प्लस का लोगो कैसे फिसल रहा है तो इजीली पता लग जाता है, काफी सारे क्लू मिल जाते हैं दोस्तों की कॉपी है ये। तो दोस्तों इसकी मजबूती भी हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो नेकबैंड डिसेंबल किए हैं किसी में भी टाइप सी का सपोर्ट नहीं मिला दोस्तों। आजकल तो नेकबैंड में टाइप सी का इसमें भी नहीं है, माइक्रो है और इजिली खुल गया है दोस्तों। और ये देखिए वाओ, अंदर मदरबोर्ड देखिए दोस्तों, आईसी काफी बड़ी लगाई गई है बिल्कुल सेम। और इस साइड का भी देखते हैं, और ये देखिए दोस्तों बैटरी का साइज देखिए, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। बाकी कुछ ऐसी फिटिंग और वायरिंग देखते हैं, मजबूती मजबूत थी वैसे लेकिन गई काम से। और इसको देखते हैं हाथ से खुलता है कि नहीं, पिचक गया हाथ से। देखिए दोस्तों इसका जो आगे का पोर्शन था वो हाथ से पिचक गया, इतना कमजोर प्लास्टिक यूज किया गया है। हालांकि टाइट लग रहा है, प्लास्टिक की मदद लेनी पड़ेगी। और ये हमने प्लास में बिठाया और ओ भाई बरसात हो गई ये तो टुकड़ों की, तो खुल नहीं रहा बस पिचक गया। ये देखिए बहुत ही कमजोर बनाया गया इसका आगे का पोर्शन, लेकिन अंदर स्पीकर तो हमें देखना ही है कैसा स्पीकर इस पर फिट किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इस टाइप का स्पीकर आपको यहाँ पर अंदर देखने को मिलेगा। तो काफी सारे नेकबैंड हमने कर दिए हैं, बाकी दोस्तों और भी हमारे पास कई नेकबैंड हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर दोस्तों ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आने वाले टाइम पर हम जरूर ऐसी डिसेंबली भी करेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट को भी देखेंगे, उनके अंदर क्या क्या फिटिंग की गई है, कैसे उनकी वायरिंग है, यही सब कुछ उनमें भी हम करने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को सीरियसली ना लें, ये आपको बताने के लिए है कि प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, कौन सा प्रोडक्ट मजबूत है, कौन सा खरीदना चाहिए, ये आप इस वीडियो को देख के समझ ही जाओगे। बाकी कंपनियों से कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों, उनके प्रोडक्ट तो हम सेल करते हैं।